आज बनाएंगे बिना गैस जलाए जन्माष्टमी के लिए बहुत ही टेस्टी और बहुत ही खूबसूरत मिठाई, मटका मिठाई, जो एकदम स्पेशल है हमारे जन्माष्टमी के लिए। बहुत ही शानदार ये मिठाई बनती है और बहुत जल्दी ही बनकर तैयार भी हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत मिठाई लग रहा है, बिल्कुल मटका की तरह। और ये जन्माष्टमी के लिए तो इससे बढ़िया मिठाई कुछ और हो ही नहीं सकता। तो चलिए बनाते हैं इस खूबसूरत और टेस्टी मिठाई को फटाफट से। तो इस मटका मिठाई को बनाने के लिए एक कप लेंगे डेसिकेटेड कोकोनट, नारियल का बुरादा है ये, और इसमें आधा कप मिलाएंगे पीसी हुई चीनी। बहुत ही कम सामान के साथ ये हमारा मिठाई बनकर तैयार होता है। सिर्फ इसके लिए हमें तीन चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच मिल्क पाउडर। घर में आसानी से ये अवेलेबल होता है। अगर आपके पास मिल्क पाउडर ना हो तो आप थोड़ा सा यहाँ पर मावा का यूज कर सकते हैं। अब हम इन तीनों को पहले चलिए अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो सिर्फ 3 चीज़ों से ये हमारा मटका मिठाई जन्माष्टमी के लिए बनकर देखिए तैयार हो जाएगा। तो अच्छे से जब हम इसे पहले मिक्स कर लेंगे और उसके बाद अब हम इसमें मिल्क मिलाएंगे। तो पहले से गर्म किया हुआ दूध और उसे आप अच्छे से फिर ठंडा कर ले। और सिर्फ पहले हम इसमें 2 चम्मच दूध डालते हैं। इसमें सिर्फ हमें एक बाइंडिंग लाना है, तो सावधानी से दूध डालें। अगर आप ज़्यादा डाल देंगे तो ये बिल्कुल गीला हो जाएगा। तो इस तरीके से मसलते हुए हमें इसका एक जो है वो मिक्स बनाकर तैयार कर लेना है। ये मिठाई बहुत ही इंस्टेंट बन जाती है। इसमें आपको गैस जलाने का भी कोई ज़रूरत नहीं है। बस इन 3 ड्राई इंग्रेडिएंट का हम यूज़ करेंगे और ये फटाफट से हमारा मटका मिठाई बन जाएगा। अभी ये मिक्स हमारा थोड़ा भुरभुरा है, तो 1 से 2 चम्मच हम इसमें दूध और डाल दे रहे हैं। फिर अब हम इसे मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, अब इसमें एक अच्छा बाइंडिंग जो है आ रहा है। मुट्ठी में बांधने से ये मिक्स जो है वो बढ़िया से बंध जा रहा है, यानी कि ये परफेक्ट हमारा जो है वो तैयार हो गया है मिक्स। इस तरीके से देखिए, मुट्ठी से बांध रहे हैं तो ये अच्छे से इसमें अब एक पकड़ आ गया है। तो इस तरीके से हम एक छोटे छोटे बॉल्स जो है वो बनाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैं 4 बॉल्स तैयार करूँगी। तो आप थोड़ा छोटा या बड़ा मिठाई कैसा बनाना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग तैयार कर सकते हैं इस बॉल को। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर थोड़े छोटे साइज़ के 4 बॉल्स जो है वो बनाकर रेडी कर ले रही हूँ। तो ये देखिए, नींबू से थोड़े छोटे साइज़ के ये बॉल्स हैं। और अब इस मिक्स से हम बिल्कुल छोटी छोटी गोली जो है वो बनाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर इससे भी मैं 4 गोली जो है वो देखिए इतने साइज का बनाकर तैयार कर ले रही हूँ। तो ये मिठाई आप सिर्फ 10 से 15 मिनट में बहुत ही जल्दी जो है वो बनाकर रेडी कर सकते हैं। तो अगर जन्माष्टमी में आप कुछ स्पेशल मिठाई तैयार करना चाहते हैं तो इसे ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा। तो ये हमारा जो है वो 2 तरह के जो है वो बॉल्स बनकर तैयार है। अब बाकी के बचे मिक्स में हम यहाँ पर 1 चम्मच मिल्क पाउडर और ऐड कर देंगे। और थोड़ा सा अब इसमें मैं रेड कलर डाल रही हूँ। फूड कलर है ये, अपने पसंद के अकॉर्डिंग आप रेड, पिंक या फिर येलो, कोई भी कलर का यहाँ पर जो है वो कलर यूज कर सकते हैं। मिक्स कर लेंगे ये। तो जिस कलर का आपको मटका बनाना हो वैसा फूड कलर आप ऐड कर ले। फूड कलर ऐड करना ज़रूरी है, तभी ये जो है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव मिठाई दिखाई देगा। तो ये भी देखिए एक डो की तरह हमारा बनकर तैयार हो गया है। तो इसे अब हम 4 बराबर हिस्सों में बांट देंगे। इसके भी हम 4 बॉल्स जो है वो बनाकर तैयार करते हैं। पहले वाले जो वाइट बॉल्स हम बनाए हैं उससे थोड़े बड़े साइज के ये हमारे जो है वो बॉल्स बनकर तैयार होंगे। तो अभी ये थोड़ा चिपचिपा लग रहा है, हम सिर्फ इसे 4 से 5 मिनट छोड़ेंगे तो ये अच्छे से ड्राई हो जाएगा। अब एक दूसरे बर्तन में हम फिर से 1 चम्मच मिल्क पाउडर, 1 चम्मच पीसी हुई चीनी और 1 चम्मच हम यहाँ पर डालेंगे बुरादा नारियल का, और इसे अब हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। 1 चम्मच फिर से अब इसमें हम डालेंगे मिल्क और इसे फिर से हम गूंथ लेते हैं। थोड़ा सा चीनी की वजह से ये चिपचिपा होता है, लेकिन थोड़ी देर में ये बहुत अच्छे से जो है वो ड्राई भी हो जाएगा। 2 बराबर भागों में इसे बांट ले। एक हिस्से में हम येलो फूड कलर डाल रहे हैं और एक हिस्से में हम यहाँ पर डाल रहे हैं ग्रीन। अब और इसे भी हम मिक्स करके डो बना लेंगे। अब ये देखिए, 4 से 5 मिनट के बाद रेड वाला डो हमारा कितना बढ़िया से सेट हो गया है। तो इसे अच्छे से आप चिकना कर लें और अंगूठे से दबाते हुए अब हम इसे फ्लैट करेंगे। तो एक पूड़ी के साइज का हमें इसे अंगूठे से दबाते हुए फैलाते जाना है।
इसमें नारियल का बुरादा यूज किया गया है, इसलिए थोड़ा फिनिशिंग कम आएगा, किनारे इसके फटेंगे, फिर भी हम इसे दबाते हुए अच्छे से जो है वो चिकना कर लेंगे। बहुत आसानी से ये हो जाता है। तो इस तरीके से देखिए, एक पूड़ी के साइज का हम इसे बनाकर तैयार कर लिए हैं। और अब इसके सेंटर में हम डालेंगे जो व्हाइट वाला बॉल्स बनाए थे उसे, और अब इसे चारों तरफ से हमें अच्छे से जो है वो सील कर देना है। तो हल्के हाथ से इस तरीके से दबाते हुए एक बॉल्स फिर से हम इसका बनाकर रेडी कर देंगे। चिकना कर लेते हैं इसे। तो चलिए इसी तरीके से हम अपने चारों जो है वो बॉल्स बनाकर रेडी कर लेंगे। इसके अंदर जो है वो हम वाइट वाले अपने बॉल्स को फिल कर देते हैं। तो तैयार है हमारा चारों बॉल्स, और अब हम इससे बनाएंगे अपना मटका। तो इसके लिए आप इस तरीके का एक राउंड शेप वाला जो है वो स्पून ले लें, या फिर अंगूठे से भी पुश करके जो है एक निशान, हल्का सा गड्ढा जो है वो इसमें बना देंगे, तो आसानी से जो है वो एक अच्छा शेप ये मटके का ले लेगा। और अब देखिए, इस तरीके से घुमाते हुए अंगूठे से प्रेस करते हुए थोड़ा सा पोर्शन जो है वो जिस तरीके का मटके का ऊपर का हिस्सा होता है उस तरीके से हमें इसे पतला बनाकर ऊंचा कर लेना है। अंगूठे से दबाएं और बढ़िया से एक हिम से मटका का शेप देंगे। देखिए है ना कितना आसानी से बनाना। तो चलिए सारी मिठाई आप इसी तरीके से बनाकर रेडी कर लीजिए। तो यहाँ पर हमारा मटका का शेप में ये हमारा मिठाई तैयार हो गया। थोड़ा सा हम इसमें और डिज़ाइन बना लेते हैं। तो एक टूथपिक से अपने पसंद के अनुसार किसी भी तरीके से प्रेस करते हुए आप इसमें डिज़ाइन बना लीजिए। बहुत जो है इजी डिज़ाइन में यहाँ पे इसमें तैयार कर रही हूँ। बस हल्का सा इस तरीके से प्रेस करेंगे टूथपिक को, तो इसमें बहुत ही शानदार जो है वो डिज़ाइन देखिए बनकर तैयार हो जाता है। सेट कर लेते हैं एक बार फिर से हम इसे। तो इसी तरीके से अपने चारों मिठाई को हम बनाकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए कितना सुंदर क्यूट सा हमारा ये मटका बनकर रेडी हो गया है। इसे हम और ज़्यादा डेकोरेट अभी करेंगे। तो इसके लिए यह पहले जो येलो और ग्रीन वाला हम डो बनाए थे, देखिए ये भी थोड़ी देर में सेट हो गया कितना बढ़िया से। तो अब इसके भी हम छोटे छोटे जो है वो टुकड़े कर लेते हैं। बहुत ही कम पैसे में हमारा ये मिठाई घर पर ही देखिए कितना बढ़िया जो है वो तैयार हो जाएगा। बहुत ज़्यादा शानदार लगता है, एकदम कलरफुल है। जिस तरीके से जन्माष्टमी का मटका हमारा कलरफुल होता है और बहुत सुंदर लगता है दिखने में, वैसा ही हम इसे जो है यहाँ पर डेकोरेट करके तैयार करेंगे। तो आप अपनी क्रिएटिविटी इसमें और भी कई तरीके से दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम जो छोटे छोटे ये जो टुकड़े बनाए हुए हैं, अब उसको हम इस तरीके से एक सरफेस पे जो है वो पतला कर लेते हैं। हम इसकी जो है वो रस्सी तैयार करेंगे जिसे हम मटके के ऊपर जो है वो लगाएंगे, जिससे इसका लुक जो है और ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। इसमें नारियल का बुरादा डालें, इसलिए ये थोड़ा सा जो है वो फटता है, तो ध्यान से आप करें। बनाना आसान है इसे, और इस तरीके से मटके के जो नेक है उसके ऊपर जो है वो हम धागा को लपेट देते हैं बनाकर। तो रंग बिरंगा आप किसी भी तरीके से इसे सजा लीजिए। और बहुत ही देखिए कम सामान के साथ, सिर्फ तीन चीज़ों के साथ ये कितना सुंदर जो है वो हमारा मिठाई जन्माष्टमी के लिए बनकर तैयार हो सकता है। और इससे सुंदर मिठाई तो जन्माष्टमी के लिए कुछ और हो ही नहीं सकता है। तो देखिए तैयार है हमारा अब ये मटका बनकर, एकदम कितना खूबसूरत लग रहा है। तो चलिए अब हम इसे जो है वो और ज्यादा इन्हेंस करते हैं इसके लुक को। और इसके सेंटर में हम यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा डेसिकेटेड कोकोनट और डालेंगे, तो ये हमारा ऐसा फील देगा जैसे कि हम इसके ऊपर जो है वो चावल रखे हुए हैं, एकदम कलश की तरह ये हमारा बनकर तैयार होगा। तो थोड़ा थोड़ा हम इसके ऊपर डेसिकेटेड कोकोनट लगा लें, और वो जो छोटे वाले वाइट बॉल्स बनाए थे हम इसको सेंटर में इस तरीके से रख देंगे। आप चाहे तो यहाँ पर एक जो है वो बादाम जो है वो भी रख सकते हैं, जो कि नारियल की तरह दिखाई देगा। देखिए है ना कितना खूबसूरत, कितना आसान इसे बनाना। बच्चे बहुत पसंद करेंगे इस मिठाई को। तो इस जन्माष्टमी आप इसे जरूर ट्राई करें। एक यहाँ पर मैं आपको इस मिठाई को काट कर दिखा रही हूँ कि अंदर से भी ये कितना ज़्यादा जो है वो अच्छा दिखाई देता है।
एकदम मार्केट की मिठाई की तरह ये टेस्ट में भी है और लुक तो मार्केट से भी बहुत अच्छा बेहतर है। दिख रहा है ना कितना खूबसूरत और टेस्टी है ये। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये बताई हुई मटका मिठाई आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल बिन्नी की रसोई को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।